नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नारायणपुर का पुलिया हुआ ध्वस्त, कांडी प्रखंड मुख्यालय से दर्जनों गांवों का टूटा संपर्क। कांडी प्रखंड से मनोज राम की रिपोर्ट। कांडी प्रखंड अंतर्गत कसनब खरसोता मुख्य सड़क पर स्थित नारायणपुर पुल सोमवार की पहले सुबह ध्वस्त हो गया। मॉर्निंग वॉक पर निकले नारायणपुर गांव के रवि कुमार मेहता, नरेंद्र कुमार मेहता उर्फ कोदू मेहता, कृष्णा चौधरी व संतोष कुमार मेहता सहित दर्जनों ग्रामीणों ने बताया कि सुबह लगभग 5 बजे गिट्टी से लदा एक हाईवा छतरपुर से कांडी की ओर जा रहा था। हाईवा के पुल पार करते ही 5 मिनट के अंदर पुल ध्वस्त हो गया। फिलहाल किसी जान माल की नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हेटार के दर्जनों गाँव के लोगों का कांडी प्रखंड मुख्यालय से सीधे सीधे संपर्क टूट गया। साथ ही नारायणपुर व बेलहत सहित कई गांवों के किसान जो उस पार बरवाडी में खेती करने जाते थे, उन्हें अब उन्हें भी जाने में परेशानी होगी। आपका नाम क्या हुआ? राम नरेश राम। ये पुलिया कैसे टूटा, क्या जानकारी है इसके बारे में बताइएगा? वही जो बताए वही और क्या जानकारी है? फिर से बताइए। बात ऐसी है कि पुलिया था जो लोग कहा कि रोड छोटे छोटे दे दिए, उसके कारण टूट गया और ज़्यादा दिन के थोड़े था पुल। मुखाफी कहिया के पुल बना हुआ है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। ये तो ठेकेदार की कमी है, नहीं बना सके सही। कितने दिन पहले बना हुआ था ये? 20-25 साल हो गया। 25 साल हो गया। हाँ, आज रात्रि में टूटा है ना? आज ही टूटा है, हाईवा पार हुआ तुरंत टूट गया। मतलब हाईवा पार हुआ उसके बाद? हाँ, हाईवा निकल गया भगवान के दया। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले से पुलिया मतलब जर्जर स्थिति में था, तो इस पे पहले से जर्जर था, तो इस पे आवागमन हो रहा था या पहले से बाधित था? छोटा छोटा गाड़ी हम लोग कैमरा से जूम करके बताइए उनको। इसमें रड देखिए, रड ही नहीं दिख डाला हुआ है। अच्छा। रड डाला है तो टुकड़ा टुकड़ा रड डाला हुआ है। जूम करके कमरे दिखाइए इनको। ये अभी रड देखिए, अभी टूटा हुआ रड से रड दिख नहीं रहा है। रड डाला ही नहीं उन लोग, घटिया क्वालिटी के कंक्रीट डाला है, घटिया क्वालिटी का रड है। 2 फीट या 3 फीट का रड है, जिसमें 12 मीटर का रड लेंथ चाहिए था। 2 फीट या 3 फीट रड डाला गया है। कंक्रीट के मामले में भी घटिया इन लोग काम किया है। किसी लेबर पहले गांव वाला के दबाव दे करके पैसा लेने के चलते वो ढाल ढूल दिया है। रड जूम करके तो उनको दिखाइए, एक भी रड दिख रहा है क्या उसमें टूटा हुआ? इसमें रड डाला है 2 फीट 3 फीट 4 फीट का रड डाला है, जो 12 मीटर का रड लेंथ चाहिए, वो लेंथ के हिसाब से कोई रड है क्या इसमें? टुकड़ा कोई रड जो 20 का रड डालना, जो 25 का रड डालना चाहिए, 12 के 10 का 16 का रड डाल के कंक्रीट कर दिया गया है। कंक्रीट मामले में मैनुअली कंक्रीट कर दिया है इन लोग, मैनुअली कंक्रीट हैंड मिक्स करके इन लोग कंक्रीट किया है और टूट गया। अभी बच गया, भगवान की दुआ करिए कि कोई आदमी कांड नहीं हुआ। अभी जूम करके उनको बताइए, एक भी रड दिख रहा है क्या? कौन टूटने के बाद भी रड दिख रहा है क्या ना? स्पेसिंग उनको 150-200 चाहिए, एक भी 2 मीटर हो गया, 2 मीटर 3 मीटर के बाद रड नहीं दिख रहा है। और एक गाँव घर का एक पैर गोड़ हाथ यही है, आने जाने का रास्ता यही है, और समझिए कि यही हाथ पैर गोड़ समझिए पुल को। हम लोग यही आइया है कि कम से कम 300 घर के बस्ती है, खाली पानी हम लोग पीते हैं आगे, और सब खेती बाड़ी सब वही होता है। हम लोग बाढ़ के चलते यहाँ पर बस गए। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ग्रीन लाइन न्यूज।